अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेक्रेटो फ्लूसी ओपन होने वाला है 27 मार्च को। हर बंदा इस वक्त तगोदो में लगा हुआ है कि किसी तरह से भी इटली का सीजनल वर्क वीजा लेकर के बंदा पहुंच जाए वहां पर। इसके बहुत अहम टॉपिक्स हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम आपको वीजा दिलवा देंगे और हम आपके पास डायरेक्ट जो है ना वो आपका काम हो जाएगा। तो मैं आप लोगों की कुछ क्लैरिफिकेशन इसमें जो मेरे देखने वाले हैं स्पेशली उनके लिए मैं करना चाहता हूं, क्योंकि मासूम लोग होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, उनको कुछ पता नहीं होता। और इस जॉब की नेचर भी ऐसी ही लोगों की है कि सिर्फ लेमैन चाहिए जो कि फॉर्म वर्कर हों या फिर वो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड होटलिंग वगैरह और इससे टूरिज्म स्टाफ रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वो होती हैं। तो इसके लिए लोग लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो चूना लगा रहे हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम चूना लगने से बच जाएंगे, जो सीधी सादी हकीकी बात होगी वो आपसे आपको पता चल जाएगी कि बेसिकली है क्या ये। देखो भाई, हर साल इटली जो है वो वर्क वीजा इशू करता है, सीजनल वर्क वीजा इशू करता है, लेकिन इस साल 2023 में उसने हद से ज्यादा ही ऐलान कर दिया है, 82,705 वर्क वीजा का। मैं अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी पूरी डिटेल इस तरह की बता चुका हूं इस प्रोसेस के मुतालिक, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना। और सिर्फ एक ही तरीका है अप्लाई करने का, सिर्फ एक ही तरीका, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि क्या तरीका है, ताकि ये जो नौसरबाज लोग हैं जो जिनका ये जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं उनका ये बेवकूफाना बनाने का दरवाजा बंद हो। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखो भाई, डेकोरेटिव फ्लूसी एक मैं कॉमन लफ्जों में, आसान लफ्जों में आप लोगों को समझाता हूं, जितने भी लोग गल्फ के अंदर रहते हैं उनको समझाता हूं। आप लोग अप्लाई करते हो किसी भी कम नौकरी के लिए, उसके बाद आपका अरबाब डॉक्यूमेंट लेके जाता है, सनद सेंटर वाले के पास टाइपिंग करवाता है। सनद सेंटर वाले के पास जो हुकूमत के तमाम सिस्टम है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का आपका तरतीब है, उसके पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के एक्सेस होते हैं, उसके पास वो आपकी फॉर्म ऑनलाइन बैठ के आपके अरबाब का कार्ड लगाता है, वो अपने सिस्टम में कार्ड लेता है, उससे पिन लेता है और आपके अरबाब के लॉगिन से लॉगिन होके हुकूमत के सिस्टम के अंदर एक्सेस करके वो एप्लीकेशन डालता है आपके मादुनिया के लिए। समझ आ रही होगी लोगों को जो गल्फ में रहने वाले, उनको समझ आ रही होगी बात। तो उसके बाद वो हुकूमत जो है आपके अरबाब को, जो आपके अरबाब की कंपनी होती है, उस कंपनी को अप्रूवल देती है कि हाँ भाई, जैसे बिलाल मोइन इस बंदे की, इस कंपनी के अगेंस्ट हमने अप्रूवल दे दी वीजा की। फिर आपका अरबाब वो पेपर प्रिंट आउट लेता है, आपको बोलता है भाई अपना मेडिकल वगैरह भेजो, आपका मेडिकल लेता है, लेके पहुंचता है वो इमिग्रेशन वाले के पास जो कि पुलिस वाले यहां पर मैनेज करते हैं, और वहां पे जाके वो आपका वीजा स्टैम्प करवाता है, या ई वीजा निकलवाना हो तो ई वीजा आपको निकलवा के भेज देता है। ये भी बिल्कुल इसी तरह से ही है, बिल्कुल इसी तरह से ये डेकोरेटो फ्लूसी सीजनल वर्क परमिट है जो हू ब हू यही है। इसमें आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते वीजा के लिए, लेकिन आप अप्रोच कर सकते हो उस अरबाब को, उस इटली में बैठे हुए स्पॉन्सर को, कि जो आपको हायर करे और आपके डॉक्यूमेंट, आपकी सीवी, आपका पासपोर्ट और आपका बताका जो भी है उसको लेकर के जाए गवर्नमेंट के उसमें और बोले कि ये बंदा मुझे चाहिए, इसके पेपर टाइप करो, इसका वीजा मुझे निकलवाना है सीजनल वर्क परमिट का। ये बात उम्मीद है क्लियर हो गई, मैं बहुत आराम आराम से तसल्ली से इसलिए बता रहा हूं कि हर बंदा इसको अच्छे से समझे, और जो बेचारे शरीफ इंसान हैं जिनको लोग कह रहे हैं कि हम तो वीजा ही निकलवा के आपको दे देंगे, बस आप टेंशन नहीं लो, हमें बस लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 4 लाख, 5 लाख, 20 लाख, जो जहां फंस रहा है उसको फंसा रहे हैं, उन लोगों को बात समझ आए। तो पहली बात तो ये कि ये वीजा कोई भी नहीं निकलवा सकता, सिर्फ इटली के अंदर बैठा हुआ जो स्पॉन्सर है आपका, जिसने वो जॉब, जिस कंपनी ने वो जॉब निकाली है वो ही निकलवा सकता है। ये तो हो गया नंबर वन। नंबर दो, अभी अप्लाई कैसे करना, आपने आपने जो मैंने प्रोसीजर आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था सेम प्रोसीजर है, सिर्फ आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर, ये आपका लक है। उसमें ये होगा कि आप अपना अच्छा सा प्रोफाइल बनवाएंगे और आपकी सीवी, आपके डॉक्यूमेंट वहां पर जो बैठी हुई कंपनीज हैं उन तक पहुंच जाएं, उसके बाद उन्हों को हायर करना आपको या ना हायर करना वो उन कंपनी की सवाबदीद है, वो उन कंपनी का राइट्स है, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है उस कंपनी को या तो पुश करने का या फिर उस कंपनी को ये कहने का कि भाई आप बस मुझे हायर, आपने सीवी भेज दी, आपका काम हो गया, अब वो सीवी रिव्यू होगी, अगर तो उनको लगा कि हाँ यार ठीक है बंदा हमारे काम का उठा लेते हैं तो वो आपको उठा लेंगे, अगर नहीं हुई तो इसकी कोई ये गारंटी नहीं है कि आप जो है वो
मस्ट आप हायर हो ही जाओगे, लेकिन क्योंकि जॉब्स इस दफा बहुत ज्यादा हैं, 82,705 जॉब्स हैं, 82,705 वीजाज हैं, उसमें बांग्लादेश के भी बहुत सारे लोग हैं, इंडिया के भी लोग हैं, ट्यूनिस के भी लोग हैं, उसके अंदर पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद है जो कि इसको हासिल करेगी, तो चांसेस इस दफा बहुत ज्यादा हैं, चांसेस आप लोगों के इस दफा बहुत ज्यादा हैं कि ये वीजा इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से बहुत सारे लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अप्लाई करने का तरीका सिर्फ वही है जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया। इसके अलावा अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है कि मैं आपको परमिट दे दूंगा सीजनल, तो वो गलत बयानी कर रहा है आपसे, आपके पैसे लेके आगे पीछे हो जाएगा। आप अप्लाई करवाओ, अच्छे से केस अपना बनवा के अप्लाई करवाओ, लेकिन वीजा के लिए किसी से कंफर्म करके डन बेस या फलाना बेस या जो भी अजीब अजीब टर्म बनाई हुई है लोगों ने, डन बेस का सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब यार दुनिया घूमी है मैंने, ये डन बेस बस एक बेवकूफ बनाने का तरीका है लोगों को, और लोग बेवकूफ बन जाते हैं। 5-7 लाख रुपए लेते हैं लोगों से, आपको कनाडा भेज देंगे, उनको कहीं बाकू में, किसी को इटली में, किसी को कहीं 2-4 दिन अच्छे से होटल में रखते हैं, उसके बाद बकाया किस लेते हैं, उसके बाद वो बंदा जो आपसे पहले वाला पैसे लेता वो गुम हो जाता, नया बंदा आ जाता, लाओ भैया मुझे भी दे दो। तो डन बेस एक बेवकूफाना चक्कर है, इसके चक्कर में मत पड़ो पाकिस्तानी, और स्पेशली मेरे जो पंजाब के जो देखने वाले लोग हैं ज्यादातर भाइयों, डन बेस के चक्कर में मत पड़ो। और ये जो इटली का जो मैंने प्रोसीजर आप लोगों को बताया, सिर्फ उसी प्रोसीजर को आप मेहरबानी करके अप्लाई करो, वरना आप अपने पैसे भी जाया करोगे, अपना वक्त भी जाया करोगे, और काम आपका नहीं होगा, आपकी हक हलाल की कमाई जो है वो चली जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयर तक सीवी अपनी पहुंचवानी है, बस। अगर सीवी उस तक पहुंच जाती है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की जात से उम्मीद है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक की जात से उम्मीद है कि आपकी, क्योंकि बहुत ज्यादा इस दफा वीजा है तो हो सकता है इंशाल्लाह आपका लक लग जाए। अगर आपका लक लग जाता है तो आपके बारे में आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम बहुत आसानी से बहुत सस्ते में हो जाता है। अगर आपका नहीं भी लगता लग तो कोई मसला नहीं है, आगे फ्रांस के सिंगल वीजा आएंगे, उसके बाद फिनलैंड के, फिर उसके बाद नॉर्वे के, बहुत सारे आने हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लक अपना ट्राई करते रहो और हिम्मत मत हारो, क्योंकि हर चीज जो आपका नहीं होता ना, जो फेलवर होता है लाइफ का, उससे एक सीख मिलती है और बंदा कुछ ना कुछ नई चीजें लर्न करता है। तो आपने भी इस वीडियो को देखना भी है, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, क्योंकि इसी तरह की आपको अपडेट्स मिलेंगी, और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करना, ताकि मासूम लोग जो हैं, जिनको लोग बेवकूफ बना रहे हैं वीजा देने के बस वीजा ही मिल जाएगा आपको, वो लोग इससे बचें और उन लोगों को अवेयरनेस आए कि यार ये जो भाई ने बात बताई है, बिलाल मोइन भाई ने, ये प्रोसीजर है सारा का सारा, और इसी प्रोसीजर को हमने अडॉप्ट करके पहुंचना है इटली में। इटली इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आप इस दफा, मुझे काफी चांसेस लग रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वीजा ने, पहुंच जाओगे, लेकिन प्रोसीजर ये है जो मैंने आपको बताया है। अब अगर प्रोसीजर आपको अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं मजीद आपको डिटेल, जैसे ही खुलने वाला है अभी रमजान करीम भी आ गया है, आप लोगों को रमजान मुबारक को बहुत बहुत, तो मजीद डिटेल इससे रिलेटेड जो है ना मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। और नंबर भी मैंने एक शेयर किया हुआ है ऑलरेडी अपनी ईमेल में, जो ओमान में, कतर, कुवैत, बहरेन, सऊदीया में रहने वाले लोग हैं वो नंबर पर रब्ता करके अपनी जो है वो वीजाज वगैरह भी प्रोसेस करवा सकते हैं। दुआओं में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।